प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर क्लब में नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन, विद्युत, खेल एवं कृषि विभाग की कुल 73 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 66 योजनाओं का लोकार्पण और 7 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। समारोह का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, विधायक संत प्रसाद, विधायक महेंद्र पाल सिंह, विधायक विपिन सिंह, विधायक डॉ. विमलेश पासवान, भाजपा के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, कामेश्वर सिंह, राजेश त्रिपाठी, जयप्रकाश निषाद, पुष्पदत्त जैन के अतिरिक्त मंडलायुक्त अनिल कुमार, आईजी नीलाब्जा चौधरी, जिलाधिकारी के विजेंद्रन पांडियन, CDO अनुज सिंह, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। समारोह के शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत उन्हें पुष्प भेंट कर किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं की सराहना की। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं है और विकास के प्रति सबकी सकारात्मक सोच होती है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर जनपद विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को नमन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महानगर को स्वच्छ बनाने के लिए केवल विभाग की ही नहीं जिम्मेदारी बनती, बल्कि स्थानीय लोगों का भी सहयोग जरूरी है। इसके लिए वार्ड स्तर पर स्वच्छता कमेटी का गठन कर जन सामान्य को जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में LED बल्ब लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 5.5 लाख स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हमारे गोरखपुर के इस प्रांगण में शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों से अपने गोरखपुर में होने का एहसास स्वागत, वंदन, अभिनंदन। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों से आज के कार्यक्रम सौभाग्यशाली गोरक्ष धरा पर हमारे गोरक्षपीठाधीश्वर, हमारे यशस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के कल्पित हैं। उत्तर प्रदेश की आशा, उम्मीद, सपने सभी की निगाह आज विकास की इसी कड़ी में शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित हैं। उपस्थिति की इस बेला में मैं नगर आयुक्त श्री प्रेम प्रकाश जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एकल पुष्प दे करके उनका स्वागत करें। और निवेदन है श्री सुरेश चंद मुख्य अभियंता नगर निगम, ज्यादा कुछ मिल रहा है, निसंदेह हम सभी के लिए ये गर्व की बात है। सौभाग्य की इस वेला में स्वागत, वंदन, अभिनंदन सभी मंचासीन अतिथियों का, सभी अतिथियों का। और इसी के साथ दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रण माननीय मुख्य अतिथि का, ताकि दीप प्रज्वलन कर आज की ये दीप की ज्योति हम सभी के अंतर्मन को आलोकित करे। हम सभी सदैव इस दीप के प्रकाश में चले। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। हे दीप ज्योति, हम सभी के कल्याणकारी कार्यों को, हमारे मुख्यमंत्री के सभी सपनों को, हमारे विशिष्ट गणमान्य जनों के सभी सपनों को आप साकार करें। ये दीप ज्योति सभी के अंतर्मन को आलोकित करें। जब यहाँ से हम सभी जाएं तो अपने अपने हिस्से की रोशनी लेकर के जाएं और उन लोगों में वितरित करें जिन्हें सचमुच में इस रोशनी की आवश्यकता है। मैं स्वागत उद्बोधन के लिए भाग्य की बात है, हमारे पूज्य महाराज जी जब भी गोरखपुर आते हैं तमाम तोहफा इन गोरखपुर वालों को देके जाते हैं। जब भी पूज्य महाराज जी का पदार्पण गोरखपुर में हुआ, अभी हाल ही में रामगढ़ ताल में पूज्य महाराज जी ने कार्यक्रम किया था, तमाम योजनाओं का शिलान्यास किया है। आज बहुत सी योजनाएं जो पूज्य महाराज जी ने शिलान्यास किया था वो पूर्ण हो गई है, जिनका लोकार्पण भी आज पूज्य महाराज जी करेंगे। उसी के साथ विभिन्न योजनाओं का पूज्य महाराज जी द्वारा शिलान्यास होगा। हम गोरखपुर की सभी सम्मानित जनता की तरफ से पूज्य महाराज जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेला लगाया गया
और दो दिवसीय इस रोजगार मेले में कुल मिलाकर के पहले दिन 3109 और 3309 और दूसरे दिन 3308 कुल मिलाकर के 6609 लोगों को रोजगार दिया गया। एक ऐसे रोजगारों कार्यक्रम के लिए, नौजवानों की चिंता करने के लिए, नौजवानों के भविष्य की चिंता करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित इस रोजगार मेला के आयोजन के लिए योगी आदित्यनाथ जी को इस मंच से मैं हृदय से साधुवाद देता हूं और बधाइयां देता हूं। जब से हमारी सरकार प्रदेश में आई है, तकरीबन 7.5 लाख लोगों को हमने प्रशिक्षित किया है। पिछले वर्ष हमने 2.5 लाख लोगों नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की व्यवस्था की है। इस वर्ष योगी आदित्यनाथ जी ने इन कौशल विकास मिशनों के माध्यम से 5 लाख लोगों को और नौकरी देने का वादा किया है। गोरखपुर में इसकी एक सफल और एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। इस मंच से नौजवानों की इतनी चिंता करने के लिए, उनकी भविष्य की बेहतरी के लिए, दूरगामी नीति बनाने के लिए इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम तो आबादी हो गए हैं विकास कार्यों के, हम लोगों को नशा चढ़ गया है। अब किसी बार ऐसा अगर हुआ कि योगी जी गोरखपुर में आए और विकास कार्य का कार्यक्रम नहीं हुआ तो ऐसा लगेगा जैसे योगी जी आए ही नहीं। जब जब आप आते हैं, विकास की एक बहार लेकर के आते हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज में ढेर सारे कार्यक्रमों का आज हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं और हमें खुशी है इस बात की कि आप सिर्फ स्पोर्ट्स कॉलेज के भवनों की नहीं, खिलाड़ियों की आत्मा के भीतर जाकर के खिलाड़ियों की बेहतरी की चिंता कर रहे हैं। पूरे देश ने आपको एक ऐसे सजग मुख्यमंत्री के रूप में देखा है जिसने अगर किसी खिलाड़ी ने कहा कि हम जूनियर शूटिंग चैंपियन में जाने की आर्थिक स्थिति में नहीं है तो आपने सूचना पाते मात्र उस बच्ची को अपने पास बुलाया और उसके आवागमन के लिए 4.5 लाख रुपए की व्यवस्था किया। खिलाड़ियों की इतनी चिंता के लिए मैं इस मंच से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। गोरखपुर की जनता के तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने मुख्यमंत्री से कुछ न कुछ मांगने का। मुख्यमंत्री जी ने पिछले महीनों में जो यहाँ पर कार्यक्रम किया था, विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया था जिसमें नगर निगम की 101 योजनाएं थी, जिसमें 54 योजनाएं पूरी हो चुकी है। विस्तृत जानकारी हमारे मुख्यमंत्री जी देंगे और जो बची है वो जल्द ही पूरा होने वाली है। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जब से उत्तर प्रदेश में महाराज जी की सरकार बनी है, किसानों और युवाओं के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र के स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं, जिससे मिट्टी के परीक्षण से लेकर किसानों को कितना खाद देना है, कितना बीज देना है, कब पानी देना है, ये वैज्ञानिक विधि से किसानों को बताया जाएगा। किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी उस पर हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे मुखिया देंगे, हमारे बीच में हमारे उपसभापति जितेंद्र सैनी जी, हमारे सभी पार्षद दल के नेता, सभी लोग इस मंच से और मंचासीन सभी अतिथियों को स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। साथ ही साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने नगर निगम में स्वच्छता के संबंध में जो बातें कही हैं, और हम आश्वस्त भी करना चाहेंगे कि हम उनका अक्षरत अनुपालन करेंगे। हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं अपने माननीय महापौर महोदय का कि जिन्होंने जनपद गोरखपुर में स्किल डेवलपमेंट और कृषि विकास के संबंध में किए जा रहे कार्यों से हमें परिचित कराया। हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे मंचा सिंह
समस्त अतिथियों का कि जो आए इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में अपनी की वजह से इस मंच की गरिमा बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदेश के मंत्री श्री कामेश्वर सिंह जी, पूर्व क्षेत्र अध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल जी, जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव जी, हिंदिया महानी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पीके मल जी, मंच पर उपस्थित मान्य विधायकगण डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, श्री संत प्रसाद जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, पूर्व मंत्री श्री राजेश त्रिपाठी जी, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष श्री पुष्पदंत जैन जी, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा जी, विश्व जितांशु सिंह आसो जी, विकास की योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और इन योजनाओं को आपको समर्पित करते हुए आप सबको ओडिशा बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, विकास का कोई विकल्प नहीं और इसलिए विकास की एक सकारात्मक सोच हर व्यक्ति को रखनी होगी, खासतौर पर जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आम जन की सहभागिता के साथ विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाना होगा। विकास की जो योजनाएं लोकार्पित हो रही हैं, लोकार्पण के पहले इन योजनाओं की पूरे मानक की गुणवत्ता की जांच होना और वे योजनाएं जिन मंशा के साथ स्वीकृत की गई थी उन मंशाओं के अनुरूप ही उन पर कार्य हुआ है या नहीं हुआ है यह पूरी तरह जांच करना बहुत आवश्यक है। जो योजनाएं शिलान्यास हुई हैं उन्हें समयबद्ध ढंग से पूरा करना, मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए उन योजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करना, इसमें न केवल जनप्रतिनिधि अपितु आम जनमानस भी इसके प्रति रुचि ले लें तो मैं कह सकता हूं कि विकास की योजनाएं उतनी द्रुत गति से आगे बढ़ेंगी और जो कभी कभी भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं ये अपने आप ही समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। आज के अवसर पर हम लोगों ने गोरखपुर की बहुत सारी इन योजनाओं को एक बार पुनः लोकार्पण और शिलान्यास के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। भाइयों बहनों, आज गोरखपुर विकास की एक नई ऊंचाई की ओर अग्रसर है। आज गोरखपुर प्रदेश का एक पिछड़ा जनपद या महानगर नहीं है। आज जब गोरखपुर की चर्चा होगी तो देश का अत्याधुनिक फर्टिलाइजर कारखाना गोरखपुर में लग रहा है, एम्स वाले गोरखपुर की चर्चा होगी, रामगढ़ ताल वाले गोरखपुर की चर्चा होगी, चिड़ियाघर और मेट्रो सिटी के रूप में गोरखपुर की एक पहचान होगी। गोरखपुर अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हुए, उन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए जब आधुनिक विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ेगा तो सचमुच गोरखपुर का सही विकास हो पाएगा। और आज सौभाग्य से 11 जून का दिन है, भारत माता के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले अमर हुतात्मा पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का जन्मदिन भी आज है। मैं पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के जन्मदिन के अवसर पर आज ही के दिन उनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था और गोरखपुर में देश काकोरी कांड के बाद इस देश की स्वाधीनता के लिए उनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जो आंदोलन आगे बढ़ाया था उस आंदोलन की परिणति के फलस्वरूप विदेशी ताकतों ने, अंग्रेजों ने उन्हें जेल में बंद किया था और गोरखपुर की ही जेल में उन्हें फांसी दी गई थी। मैं इस अवसर पर पंडित रामप्रसाद बिस्मिल भारत माता के इस महान सपूत को कोटि सा नमन करते हुए राष्ट्रीयता के प्रति राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा हम सब के अंदर पैदा हो सके इसके लिए आप सबका मैं आह्वान करूंगा। भाइयों बहनों, गोरखपुर हम लोगों का शहर है,
गोरखपुर हमारा जनपद है, लेकिन गोरखपुर के अपने जनपद को स्वच्छ बनाना, सुंदर बनाना, विकास की योजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना, ये हम सबका दायित्व होना चाहिए। गोरखपुर ने आज भी स्वच्छता के लिए आम जन की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण होगी। प्रशासन अपने स्तर पर कार्य कर रहा है, जन प्रतिनिधि अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आम जन को जागरूक करना, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में स्वच्छता की एक कमेटी बने, स्वच्छता निगरानी की कमेटी बने। वह केवल स्वच्छता निगरानी के साथ साथ स्वच्छता के प्रति आम जन को जागरूक भी करें, हर वार्ड और हर मोहल्ले में इस प्रकार की व्यवस्थाएं प्रारंभ करें। और मुझे लगता है नगर निगम को, प्रशासन को, संगठन को, विभिन्न स्वयंसेवी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों को, व्यापारिक संगठनों को एक साथ सहभागी बन करके इन स्वच्छता कमेटियों के माध्यम से पूरे महानगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए इस पहले स्तर पर सफाई की व्यवस्था, वन महोत्सव के अवसर पर गोरखपुर महानगर के हर वार्ड में व्यापक रूप से वृक्षारोपण के कार्यक्रम होने चाहिए, जिससे गोरखपुर एक स्वच्छ गोरखपुर बन सके, सुंदर गोरखपुर बन सके, हरा भरा गोरखपुर बन सके, उस दिशा में एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। मैंने पहले भी कहा था, गोरखपुर में जल जमाव की समस्या का स्थायी समाधान हम लोग चाहते हैं, और स्थायी समाधान के लिए एक कार्य योजना बननी चाहिए। वह कार्य योजना इस रूप में कि गोरखपुर में कहीं जल जमाव न हो, अस्थाई समाधान के समय हमको पढ़ना चाहिए। फेरी नीति को गोरखपुर में लागू करके पटरी व्यवसायों का व्यवस्थित पुनर्वास करने की दिशा में कार्य, सड़कें चौड़ी हो, आईपीडीएस के अंतर्गत अंडरग्राउंड केबल डाल करके ऊपर खुले तारों से छुट्टी मिले, लाइन लॉस भी कम करें, और साथ साथ अनवरत विद्युत की आपूर्ति गोरखपुर वासियों को प्राप्त होता रहे, इस दिशा में इस नए प्रयास की आवश्यकता है। मैं मानता हूं सारे कार्यक्रम होंगे, समयबद्ध ढंग से होंगे, लेकिन इसमें जन सहभागिता उतनी ही आवश्यक है। और उस जन सहभागिता के लिए मैं महापौर जी को, अपने विधायकों से, अपने संगठन के पदाधिकारियों से, पार्षदों से, यहां पर उपस्थित जनता जनार्दन से, महानगर वासियों से, गोरखपुर जनपद के अगर अलग अलग नगर निकायों में जो रहने वाले नागरिक हैं, जो जनप्रतिनिधिगण हैं, उन सब का भी मैं आह्वान करूंगा, वे अपने अपने नगर निकाय में उस प्रकार की आदर्श व्यवस्था करें कि जब स्वच्छता की कोई रैंकिंग आए तो गोरखपुर और गोरखपुर का कोई कस्बा भी उसमें कोई स्थान बनाता हुआ दिखाई दे। जब गोरखपुर या पूरे प्रदेश या देश के अंदर स्वच्छता के लिए, सुंदरता के लिए, जब हमारे नगर, हमारे कस्बे की कोई बात हो, तो लोग उसकी गिनती स्वच्छ शहर के रूप में, स्वच्छ कस्बे के रूप में, स्वच्छ नगर निकाय के रूप में कर सके, सुंदर नगर निकाय के रूप में कर सके। यह कार्य कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए हम सबको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, अपने स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को लगना पड़ेगा, थोड़ी सी जागरूकता हमारे शहर को एक अच्छा स्थान दिला सकती है, सुंदर स्थान दिला सकती है, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों का समूल नाश कर सकती है। शासन की अनेक योजनाएं, मैं शहरी क्षेत्र में निकलता हूं, कभी कभी मुझे देख करके ताज्जुब होता है कि लोग कितने कमजोर और जर्जर घर में रहने के लिए मजबूर हैं। हम लोगों की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, पार्षदगण नगर निगम के साथ, जीडीए के साथ, आवास विकास के साथ मिलकर के कार्य योजना बनाए, और कार्य योजना बना करके कि जिन गरीबों के पास अपने आवास नहीं है या आवास है लेकिन जर्जर है, ऐसे लोगों की सूची बना करके उसकी वेरिफिकेशन करवा करके प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए तत्काल आवेदन करें, उन सबको एक एक आवास के लिए ढाई ढाई लाख रुपए हम लोग उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे, जिससे शहरी क्षेत्र में हर व्यक्ति के पास अपना स्वयं का आवास हो और सुरक्षित आवास हो। जिनके पास आवास है
लेकिन आवास पे शौचालय नहीं, ऐसे लोगों की भी को भी चिन्हित करना चाहिए और उन लोगों को भी 20,000 रुपए प्रति परिवार शौचालय के लिए उपलब्ध करवाने के लिए उन्हें सूचीबद्ध करना चाहिए। कितना बड़ा कार्य कर लेंगे अगर आप इतना इस अभियान को लेकर के चल पड़े तो। शहर में नाली और नाले सब साफ सुथरे हो, उसमें सिल्ट ना हो, उसमें पॉलिथीन ना हो, कचरा ना हो, अगर नियमित सफाई होकर के हम आम नागरिक को भी जागरूक कर सकें कि इन नालियों में कचरा नहीं डालना है, कूड़ा नहीं डालना है, बल्कि इसमें जल का प्रवाह अगर लगातार बना रहेगा, पानी का प्रवाह रहेगा तो बदबू नहीं आएगी, गंदगी नहीं होगी, मच्छर नहीं होगी, कोई कीटाणु नहीं होंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे। उस दिशा में एक नए प्रयास की आवश्यकता है। हम लोगों ने शहरी क्षेत्रों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य किया है। पूरे प्रदेश के अंदर अब तक हम लोग 5.5 लाख से अधिक स्ट्रीट लाइट लगा चुके हैं नगर निकायों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के 16 नगर निगमों में, और 5.5 लाख से अधिक स्ट्रीट लाइट के माध्यम से प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष लगभग 325 करोड़ रुपए की बचत केवल एलईडी स्ट्रीट लाइट से कर रही है, जो बिजली की बचत हो रही है। और ये एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने में प्रदेश सरकार को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, ना किसी नगर निकाय को कोई पैसा खर्च करना पड़ा। हमने एक एमओयू किया है और उसके माध्यम से हम लोगों ने ईएसएल के साथ जो अपना समझौता किया उसके अंतर्गत पुरानी सभी लाइटों को बदल करके एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य ईएसएल को करना है। गोरखपुर और कुछ नगर निकाय ऐसे भी हैं जिनमें स्ट्रीट लाइट बहुत सारे मोहल्लों में नहीं है। हम लोगों ने नगर निकाय से भी कहा है और ईएसएल से भी कहा है कि इनका भी सर्वे करके इन मोहल्लों में भी एलईडी स्ट्रीट लाइट लगा देनी चाहिए। पेयजल की व्यवस्था नगरीय क्षेत्रों में बहुत आवश्यक है। आज भी मेरे पास लच्छीपुर से कुछ लोग और गोरखपुर जैसे शहर में जहां पानी की कोई किल्लत नहीं, यहां ग्राउंड वाटर भी है, पाइप पेयजल के माध्यम से भी हम जल की आपूर्ति कर सकते हैं। तो जल की आपूर्ति के लिए जब हमारे पास साधन है और जब उस प्रकार की संभावनाएं हैं तो फिर हम गोरखपुर वासियों को प्यासे क्यों रख रहे हैं। जहां पर पाइप पेयजल योजना है तत्काल उसको चालू करें, जहां पर नहीं है वहां समरसेबल से वहां पर हैंडपंप लगा करके पेयजल की आपूर्ति करें, जहां यह भी कठिन होता है वहां पे टैंकर लगा करके सुबह शाम एक एक टैंकर उस मोहल्ले में भेज करके लोगों को जलापूर्ति करिए, जिससे लोग स्वच्छ और सुंदर जल उनको पीने के लिए मिल सके और किसी भी बीमारी से वे बच सके। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ इस बार हमारी निर्णय लड़ाई होगी और मैं आप सबका आह्वान करूंगा इस स्वच्छता अभियान को और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति को इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन और उससे बचाव के इस कार्यक्रम के साथ हम जोड़ करके आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों के साथ साथ गोरखपुर के यहाँ पर जितने भी नागरिक उपस्थित हुए हैं इन सब का अभिनंदन करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि विकास की सकारात्मक सोच हमें गोरखपुर को एक आधुनिक और विकसित नगर के रूप में, एक समृद्ध नगर निगम के रूप में आगे बढ़ाने में मदद करेगी। हम यहाँ की जनता को बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ विकास की आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। जनता के लिए समर्पित हमारे माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अर्पित करना चाहेंगे कि जिनके माध्यम से इस जनपद में हो रहे विकास कार्य, इस जनपद में कराए जा रहे विकास कार्यों के बारे में जन जन को सूचना मिल सकेगी, वो इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ ले सकेंगे।